ये है दरभंगा स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद के उम्मीदवार सर्वेश कुमार। वैसे तो इस बार के विधान परिषद चुनाव में बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन जनता का रुझान किस ओर है इसको लेकर सभी अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं। लेकिन सर्वेश कुमार इन दावों से इतर स्नातकों के मुद्दों पर अपना पक्ष पत्रकार व लोगों के बीच लगातार रखते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सर्वेश कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा में कुछ पदों पर कार्य कर चुके हैं। इससे पूर्व में यह बेगूसराय के मतिहनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं। देखिए उन्होंने आगामी चुनाव के किन मुद्दों पर अपने विचार रखे। प्राथमिकता सरकार को तय करनी है, मूल बात। जो शिक्षा के क्षेत्र में मैं आता हूँ, दुनिया भर में विश्वविद्यालय की हायर एजुकेशन की रैंकिंग होती है, दुनिया भर में रैंकिंग होती है। भारत का कोई विश्वविद्यालय कहीं नहीं उस रैंकिंग में आता नहीं। कुछ IIT आते हैं, जो पुराने संस्थान हैं, हमारे IIT दुनिया भर में प्रतिष्ठित संस्थान है, IISc बेंगलोर, कुछ IITs, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, कुछ एक दो मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, एक दो यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल यूनिवर्सिटी। इसके बाद काम करता है 130 करोड़ के देश में, 135 करोड़ आज हमारी आबादी है, 135 करोड़ की आबादी में 10 इंस्टीट्यूट ही हमारे पास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के। कैसे 135 करोड़ की आबादी 15 इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाली? हम इंस्टीट्यूट की क्वालिटी को बताते हैं, नई ग्रेडिंग है, नई व्यवस्था हो रही है, नई शिक्षा नीति आई 2023 तक। सरकार का के नई शिक्षा नीति में प्रावधान है कि एडहॉकिज्म खत्म करें, तदर्थवाद को खत्म करें। 2020 को एक दिन में तो खत्म होगा नहीं। अभी अगर जनता का आशीर्वाद, वोट का आशीर्वाद मिलता है, सुरक्षा होती है, तो 6 साल हमको समय मिलता है, 5 साल, 6 साल, 4 साल में ये सारी व्यवस्था का निर्माण बना करके यूनिवर्सिटीज के क्वालिटी में बड़ा सुधार लाना है, ग्रेडिंग में अपग्रेड करना है। मिथिला का शिक्षा संस्थान इस देश का प्रमुख शिक्षा संस्थान होना चाहिए, ये तो सब लोग एग्री करेंगे। उसके लिए काम करने की जरूरत है, और उसके लिए मैं निश्चित रूप से, मैंने कहा मैं क्यों काम कर रहा हूँ, क्या प्रेरणा है मेरे काम करने की। मेरे ऊपर जो कर्ज है समाज का, मैं उस कर्ज को उतारना चाहता हूँ। मेरे मन में ये अभिमान है कि मैं एक महान देश का नागरिक हूँ, मेरा देश कैसे बना, मिथिला की संस्कृति है, और उस गर्व के लिए मैं उसको करना पड़ेगा। त्याग करने की जरूरत है त्याग करूँगा, काम करने की जरूरत है काम करूँगा। अब व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं, एक बेटी है मुझे, बड़ी डॉक्टर है, बड़े अस्पताल में काम करती है, एक बेटा है अमेरिका में था, अभी उसको नोट समझा बुझा करके भारत में बुलाया है। उस वो कुछ अपना व्यवसाय करेगा, मेरे पास कोई काम नहीं, और मैंने तय किया है मुझे समाज के लिए काम करना है, एक अच्छा समाज बनाना है, शिक्षित समाज बनाना है, समृद्ध समाज बनाना है। देखिए जब भी मैं विदेश गया रहा, मुझे हमेशा लगा इसको किसने डेवलप किया, इसको कोई हमने जाके तो डेवलप किया नहीं, हमारे देश के लोगों ने जाके तो यूरोप और अमेरिका को डेवलप नहीं किया। हमारा योगदान कुछ हो सकता है, लेकिन उस डेवलपमेंट की क्रेडिट नहीं हो सकती। हमारे देश को डेवलप करने के लिए हमारे देश के लोग चाहिए, आप चाहिए, हम चाहिए, सब मिल करके चाहिए। ये हमारे भारत के संविधान में कहाँ से शुरू करते हैं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। यहाँ पावरफुल कौन है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग पावरफुल। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, जिस दिन जनप्रतिनिधि जन से कट जाता है, वो प्रतिनिधि नहीं रहता, वो व्यक्ति हो जाता है, उससे हमको बचना। हम सब मिलकर, मैं मतदाता बंधुओं से, भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से अपील करूंगा, एक मौका से ये मेरा व्यक्तिगत विषय है कि मैं समाज के प्रति अपना ऋण उतारना चाहता हूँ, लेकिन यह जन जन का विषय है, समाज का विषय है, समाज व्यवस्थित हो, समाज शिक्षित हो, समाज समृद्ध हो, ये सबका विषय, सब लोग इसमें होंगे। हम लोग बड़ी संख्या में जन संवाद केंद्र, हर 50,000 के 25,000 के पॉपुलेशन पर इस योजना बन रही है, ईश्वर की कृपा से, आपके सहयोग से अगर सफलता मिलेगी तो इमीडिएट इसको लागू करेंगे। दिसंबर महीने से जन संवाद केंद्र काम करना शुरू कर देंगे, हर जिले में 100-150 जन संवाद केंद्र बनेंगे, उसके नियत डेट को मीटिंग होगी, अखबारों में विज्ञापन आएगा, वहाँ हमारे स्वयं सेवक रहेंगे, उन जन संवाद केंद्रों पर सारी समस्याओं की बात होगी। शिक्षा की समस्या प्रमुख समस्या है, रोजगार की समस्या प्रमुख समस्या है, बाकी की सेवाएँ और सुविधाएँ भी हैं हमारे स्नातक बंधु से जुड़े हुए हैं,
उन समस्याओं पर भी चर्चा होगी, संपूर्ण समाज की समस्याओं पर चर्चा होगी और उसके निराकरण के लिए हर महीने जब आपकी बैठक होगी तो उसके निराकरण का कोई ना कोई हल निकलेगा और मुझे इस देश की जनता में, इस समाज में, इस ताकत में बहुत विश्वास है, अगाध श्रद्धा है। ना कोई जाति की बात होगी।